हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे आंसर की आउट होने के बाद जो लोग कटआउट दिखा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हैं उन पर। तो सबसे पहली उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के फ्यूचर के लिए, आगे टाइपिंग करें और रिजल्ट भी उनका अच्छा है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। जिन्होंने थोड़ा स्कोर डाउन किया है वो निराश बिल्कुल ना हो, आगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, बाकी अन्य अपने स्टेट में एग्ज़ाम दें और इसको एज अ एक्सपीरियंस लें। क्योंकि कई बार होता है आप अपने मनचाही जॉब के लिए एग्ज़ाम देने गए होते हैं, तो अगर पहली बार गए होते हैं तो पेपर इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि आप पहली बार गए हैं। तो अगर यहाँ पे आपने दो या तीन बार सेंटर विजिट कर लिया है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सेंटर के अंदर बैठ के पेपर देना ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। अगर ये भी आपको मिला तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से बच्चों को तो वो भी मौका नहीं मिला। 7 ही लाख बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर के अंदर पहुँच पाए, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़ा था, 1 करोड़ में 7 लाख आ पाए। आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से बेहतर हैं, अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर करें ताकि वो जो फाइनल क्राइटेरिया होता है उसमें आप आ सकें और आप अपनी मनपसंद जॉब पा सकें। तो पहली बात तो बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए ताकि अगली बार और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है अपना वो NTPC की तैयारी करें। कट ऑफ पर बहुत फोकस मत करें, पूरा दिन यूट्यूब पर कट ऑफ बिल्कुल सर्च ना करें। कोई 80 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, आपको खुद ही लगभग गेस होगा। अगर आप 75 प्लस किसी भी जोन से हैं तो अपने टाइपिंग पे पूरा फोकस करिए। नॉन टाइपिंग पोस्टों के लिए 80 प्लस मानिए, उसके नीचे तो जाने से रही, लेकिन टाइपिंग पोस्ट है तो 8 गुना बच्चा बुलाया जाने वाला, तो 75 बहुत है। ये मैंने हायर बोली है, हायर रीजन्स की, बाकी जो लोअर रीजन्स हैं वहाँ अपना कम भी होती रहती है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें और लगातार परिश्रम करते रहें, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।